हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, मैनुअल अकाउंटिंग में अब तक हमने क्या क्या सीखा है, एक बार उसका क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने मैनुअल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझा। फिर हम अपने टॉपिक पर आए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल। जनरल में किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ये भी हमने पिछली वीडियोस में समझा था। और हमने एक दो एग्जांपल देकर भी आपको जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सिखाया है। आई होप आपने इतना सीख लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं और मैनुअल अकाउंटिंग के नए और एक अच्छे स्तर पर हम पहुंचने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेज़र, यानी कि खाता बही। लेज़र क्या होता है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी चीज़ को भी सबसे पहले हमारा जानना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसकी प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल की तौर पर हमें उसके क्वेश्चन जो है हैंडल करने चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें हमको कॉन्सेप्चुअलाइज क्लियर नहीं होंगी। तो लेज़र क्या है, जनरल एंट्री से अगला स्टेप है। जब भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग करते हैं। और जनरल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप जो आता है वो होता है लेज़र। तो गाइस, क्या है लेज़र, चलिए यहाँ हम लेज़र को समझा रहे हैं। ए बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड लेज़र। यानी कि किसी व्यापारिक उपक्रम के समस्त खाते जिस पुस्तक में रखे जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। हो सकता है आपको ये लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड लग रही हो, अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब कोई व्यापारी या फिर कोई लेखाकार यानी अकाउंटेंट सबसे पहले डेली एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा, डेली एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद उसके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। और ये बात भी क्लियर है कि जो डेली एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति से, एक ही अकाउंट से रिलेटेड नहीं होती हैं। वहाँ पर न जाने कितने अकाउंट्स होते हैं जिनको डेली इफेक्ट होना पड़ता है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डेली एंट्रीज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको या तो आप हैंड टू हैंड या फिर अगले दिन या जो भी आपने एक सिस्टम बनाया होता है उसके हिसाब से वह व्यापारी उससे संबंधित यानी कि जो अकाउंट जिससे रिलेटेड है उसी अकाउंट में एक बुक है लेज़र। उस लेज़र बुक में जहां पर भी उसका अकाउंट होता है उसमें जा कर के वो रिकॉर्डिंग कर देता है। सर जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज़ कीजिए कोई कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया सबसे पहले जनरल में। जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद लेज़र वाली जो बुक है आपकी, लेज़र बुक में जहाँ भी आपका कैश का पन्ना होगा यानी कैश का अकाउंट होगा जिस भी पेपर पर, तो वहाँ आप ये एंट्री कैश वाली जो है रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि लेज़र का मतलब हो गया जनरल एंट्री से वो ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन पिक करना और उसमें एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करते चले जाना। अब क्या होता है, लेज़र बनाने से एक जैसे ट्रांजेक्शन एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। गाइस, इसी काम को क्या कहते हैं, इस काम को हम पोस्टिंग करना कहते हैं। तो पोस्टिंग करना समझिए, ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल एंट्री बुक टू देयर रेस्पेक्टिव लेज़र अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल से लेन देनों को उनके संबंधित खातों में हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, खतौनी कहलाती है। इसे हिंदी में खतौनी या पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जो बाद में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेज़र क्या है, लेज़र तो एक बुक है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स पेपर हैं, एक किताब है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए एक लेज़र है, ये एक लेज़र है और इसमें 100 पेपर है मान के चलिए। तो इस 100 पेपरों में जो भी जैसे पहला पेपर पे कैश का हमने खाता बना रखा है,
दूसरे पर राम का, श्याम का, मोहन का, फर्नीचर का, सेल्स का, परचेस का, ठीक। तो ये सब क्या हैं? ये सब तो हैं अकाउंट्स, और इन सब अकाउंट में डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाना, ट्रांसफ़र करते जाना, ये कहलाती है पोस्टिंग। तो ये लेजर पोस्टिंग हो गया एक तरह से। सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, व्यापारी जो है, लेखाकार जो होगा, इसका अकाउंटेंट, सबसे पहले जब भी लेन देन होगा जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेगा। जनरल एंट्रीज के रिकॉर्ड करने के बाद शाम को बैठ जाएगा, भाई जो जो एंट्री जिस जिस अकाउंट से संबंधित है, जिस जिस अकाउंट से रिलेटेड है, उस अकाउंट में वो एंट्री के अमाउंट जो है चढ़ा देगा। और ये जो अमाउंट जो जिस खाते में चढ़ाई गई है, जिस संबंधित खाते में चढ़ाई गई है, उसको ही पोस्टिंग करना कहते हैं, और जिस जगह पर करते हैं उसे लेजर कह देते हैं। तो बहुत आसानी से समझना है आपको, रटना कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको ये टर्म बिल्कुल आराम से अब समझ में आ गई हो। जनरल का दूसरा स्टेप है लेजर, और लेजर में अकाउंटिंग करना पोस्टिंग कहलाता है, और इसे हिंदी में खतौनी भी कहते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिससे आप सभी आने वाली वीडियोस सही समय पर पा सकें।